अमित लोढ़ा की किताब बिहार डायरेज के लॉन्च के दौरान अभिनेता इमरान हाशमी ने यह बात कही कि दर्शक अब परिपक्व हो गए हैं और किसिंग सीन से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जो उनका मानना है कि सदियों पहले फिल्मों में प्रभाव डालने के लिए शामिल किए जाते थे। इमरान ने पत्रकारों से कहा कि किसिंग सीन पर हमेशा जोर दिया गया, जिस पर मैंने हमेशा स्पष्ट रहने की कोशिश की है। सीरियल किसर के नाम से पहचाने जाने वाले अभिनेता का कहना है कि उन्होंने धीरे धीरे ऐसे अंतरंग सीन करने बंद कर दिए जो अनावश्यक थे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा शो या फिल्म कर रहे हैं, ये चीजें केवल प्रभाव के लिए नहीं है। ऐसा करीब 15 वर्ष पहले किया जाता था, दर्शकों को उत्तेजित करने के लिए, लेकिन अब दर्शक परिपक्व है। अमिताभ की टूटी हड्डियां, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के शूटिंग पर बोले, मेरी उम्र एक्शन करने की नहीं रही, माफ कर देना मेरे जो फैंस हैं। बच्चन ने ट्वीट कर कहा, मेरी उम्र यह सब करने की नहीं है, लेकिन हमारे निर्देशक ने हमसे यह करने को कहा, इसलिए मैंने यह किया। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो टूटा नहीं हो, और कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिससे मैं मिला न हूँ, बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। स्टार अमिताभ बच्चन का कहना है कि उनकी आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के दौरान एक्शन करते समय उनकी हड्डियां टूट गईं, लेकिन उन्होंने निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य की इच्छा का सम्मान करने के लिए अपना कार्य किया। बच्चन ने कहा कि बारिश में किए गए एक्शन सीन ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। यदि उन्होंने मुझे सामान्य कपड़े पहनाए होते तो यह आसान होता, लेकिन मुझे कफचनुमा कपड़े पहनने पड़े। उन्होंने मुझे चमड़े के कपड़े पहनाए और ये बहुत भारी थे, जिनका वजन लगभग 30 किलोग्राम था। फिर उन्होंने मुझे एक तलवार, पगड़ी और लंबे बाल थमा दिए। मुझे तैयार होने में 3 घंटे लगे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि एक्शन सीन बारिश में फिल्माए गए, जिससे कपड़े और भारी हो गए। तनुश्री दत्ता की तरफ से छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद से नाना पाटेकर ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर लड़ेंगे। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर सहित कई फिल्मी सितारों के खिलाफ जिस तरह से बयान देकर बवाल खड़ा किया है, वो इस समय बॉलीवुड में सुर्खियों में है। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर नाना पाटेकर ने तनुश्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। नाना ने एक बातचीत में कहा है कि उन पर लगाए गए इस तरह के आरोप सरासर झूठ हैं और लेकिन वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहते, बल्कि अब तनुश्री के खिलाफ सीधी कार्रवाई करेंगे। शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म बत्ती दिल मीटर चालू ने अपनी रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर लिया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक खरी नहीं उतर पाई। श्री नारायण सिंह के निर्देशन में बनी बत्ती गुल मीटर चालू ने एक हफ्ते में 34 करोड़ 43 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म को गुरुवार को 2 करोड़ 45 लाख रुपए का कलेक्शन मिला है। फिल्म बेहद कमजोर तरीके से शुरू हुई और पहले वीकेंड में भी अच्छा नहीं कर पाई। फिल्म का बजट करीब 45 करोड़ रुपए रहा और इस हिसाब से फिल्म फ्लॉप की तरफ बढ़ रही है। बत्ती गुल मीटर चालू को 6 करोड़ 76 लाख रुपए की ओपनिंग लगी थी और पहले वीकेंड में 23 करोड़ 26 लाख रुपए का कलेक्शन मिला था। वरुण धवन और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की फिल्म सूई धागा मेड इन इंडिया आज रिलीज हो गई है। पहली बार ये जोड़ी किसी फिल्म में धमाल मचाएगी। फिल्म में वरुण अनुष्का मौजी ममता के किरदार में नजर आएंगे। सुई धागा में अनुष्का पहली बार इतने सिंपल लुक में दिखेंगी। शरद कटारिया द्वारा निर्देशित ये फिल्म भारत के शिल्पकारों और बुनकरों द्वारा हाथ से बनाए गए कपड़े और कारीगरी को सिनेमा के माध्यम से मुख्य धारा में ला रही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों और कारीगरों द्वारा कपड़े पर किए गए काम को बहुत ही प्रखरता से दर्शाया गया है। दोस्तों, ऐसी ही जरूरी जानकारी जानते रहने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।